अफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। लगातार हादसों का सिलसिला जारी है मुमरा बाईपास पर। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के वक्त रेती बंदर परिसर में मुमरा बाईपास रोड पर जो ब्रिज है जहाँ से टर्निंग है एक छोटा सा, वहाँ से एक आइचर टेम्पो वाला टर्न ले रहा था, उसी के पीछे एक सीमेंट का मिक्सर था। उस सीमेंट मिक्सर गाड़ी वाले ने आइचर टेम्पो को ठोका और टेम्पो वाले ने आगे जाकर एक दूसरे गाड़ी वाले को ठोका और एक रिक्शा जो पूरी तरीके से पलट कर चकनाचूर हो गई। ये भयंकर दुर्घटना दोपहर के वक्त हुई है। और क्या कहा इस मामले में मुमरा के सीनियर आरटीओ ऑफिसर ने, क्या खुलासा किया इस मामले को लेकर, जिसमें लगभग 3 से 4 लोग घायल हुए हैं और लगभग 4 से 5 गाड़ियों का जो मिसबैलेंस होने की वजह से हादसे में नुकसान हुआ है वह अलग है। आइए देखते हैं, एक झलक डालते हैं आज इस खास और विशेष खबर पर। इस तरीके से वो क्या डिटेल्स है? टाइमिंग परफेक्ट मालूम नहीं है वो एक्शन का। एक्शन ऐसा हुआ कि एक आइशर टेम्पो यू टर्न ले रहा था, थाना पनवेल जा रहा था और थाना पनवेल रेती बंदर के ब्रिज के पहले जो कट है क्रॉस, वहाँ से यू टर्न ले रहा था। तो वो आइशर टेम्पो को एक सीमेंट कैप्सूल का ट्रक रहता है वो, उसने ठोकर मारा तो आइसर डिवाइडर के ऊपर आया और जो कैप्सूल सीमेंट गाड़ी आगे जाके रुक गई। उसके पीछे एक पिकअप गाड़ी आ रही थी वो भी ब्रेक मारा और वो साइड को गई और एक रिक्शा के ऊपर रिक्शा को ठोकर मारा और दोनों का नुकसान हुआ है। और ये आइसर टेम्पो और कैप्सूल जो सीमेंट उसका भी नुकसान हुआ है और 3 लोग। टोटल कितनी गाड़ी का नुकसान हुआ है? टोटल 5 गाड़ी का नुकसान हुआ है। और कितने लोग गंभीर हालत से घायल है? गंभीर नहीं है, 3 लोग कैजुअल किरकोल जख्मी है। अच्छा, किरकोल जख्मी, सिंपल इंजुरी। अच्छा, 3 लोगों को सिंपल इंजुरी है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है हमारे लोगों ने और पब्लिक ने। ये बाईपास पे अक्सर जो हादसे होते रहते हैं सर, इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है या मतलब क्या? रीजन, पहला रीजन तो है कि ड्राइवर लोग ठीक ढंग से गाड़ी चलाते नहीं, पहली बात ये है। ड्राइवर का गलती है, ड्राइवर लोगों का गलती ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात, उधर जो स्पीड देकर है काम करने वाले PWD के जो ऑफिसर लोग, इंजीनियर लोग बोल रहे कि काम करने वाले हैं, तो उधर स्पीड ब्रेकर ठीक ढंग से नहीं है, इसलिए भी शायद एक्सीडेंट होता है। अच्छा, मतलब स्पीड ब्रेकर के कारण नहीं होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। स्पीड ब्रेकर होना जरूरी है क्योंकि जो ब्रिज है ऊपर से फास्ट गाड़ी आती है और नीचे से स्लो जाती है, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर हो और साइड को मुमरा गांव में, मुमरा सिटी में गाड़ी जाती है, तो उधर दोनों बाजू मतलब स्पीड ब्रेकर होना जरूरी है दोनों रोड के ऊपर ब्रिज के ऊपर और पीछे। सर, अगर आज जैसे दुर्घटना हुई, ऐसे कोई भयानक दुर्घटना हुई जिससे की डेथ हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बाईपास को लेकर? आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन के ऊपर, ट्रैफिक विभाग के ऊपर लोगों के सवाल उठते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? सजेस्ट ये करूँगा कि जो स्पीड ब्रेकर है, जो संबंधित जो PWD है, उन्होंने जल्दी से जल्दी स्पीड ब्रेकर करना चाहिए। और वो स्पीड ब्रेकर के लिए हमने हमारे जो पहले पाटिल साहब थे, दिलीप पाटिल साहब थे सीनियर पे, उन्होंने भी लेटर लिखा है, हमने भी लेटर लिखा है और लेटर लिखेंगे कि भाई स्पीड ब्रेकर जल्दी करो क्योंकि बाईपास के ऊपर स्पीड ब्रेकर बनना बहुत ज़रूरी है। स्पीड ब्रेकर रहेगा तो व्हीकल्स की स्पीड जो है वो कंट्रोल में रहेगी और एक्सीडेंट्स भी कंट्रोल में रहेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंब्रा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक।